हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प पे। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे घर में जब नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होती है, वो ये होती है कि बच्चे गिरते बहुत हैं। आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे नीज के बल चलना स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उनके साथ ये चीज़ बहुत होती है कि वो गिरते बहुत ज़्यादा, जैसे बेड से नीचे गिर गई, सोफ़ा से नीचे गिर गई, या स्टेयर्स पे ऐसे बच्चा नीचे गिर गया, फिसल गया, या नीज के बल चलते चलते कभी ऐसा होता है कि फर्श बहुत ज़्यादा स्लिपरी है और बच्चे का बैलेंस नहीं बन पाया और वो सडनली चल रहा है या नीज के बल चल रहा है, वॉक कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, और वो फिसल जाता है और बड़ी ज़ोर से बच्चे के फेस पर, हेड पर या पीछे हेड पर बच्चे की चोट आ जाती है। ठीक है, तो कभी कभी समस्या गंभीर हो जाती है, बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है, अननेसेसरी रोने लगता है, शांत नहीं होता, चोट भी दिखाई नहीं देती और बच्चा रोए जाता है। ठीक है, साथ में साथ ये भी होता है कि बच्चे को सपोज़ जैसे बच्चा सर के बल गिरा, नीचे गिर गया, और बच्चे के हेड में, यहाँ पर फोर हेड में बच्चे की सूजन आ गई है, आपने देखा होगा हेड बम्प ऊपर निकल के आ गया, गोल गोल सर्कल सा बन गया है, या नीला पड़ गया है, सूजन हो गई है, या आपको रेडिस कुछ बच्चे के दिखाई दे रही है जहाँ पर बच्चे के गिरने से चोट लगी है, वो पीछे भी हो सकता है, वो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, सपोज़ बॉडी में कहीं भी उसके सूजन आ गई है, गिरने से चोट लग गई है, तो आप उसको फर्स्ट एड क्या दे सकती हैं? और बहुत ही 99% ऐसे केस इस केस में वो चीज़ जो मैं बताऊंगी आपको रेमेडी, उससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और ऐसा हो गया है, या कभी इन केस कभी ऐसा हो, तो आप अपने बच्चे को किस तरीके से क्योर कर सकती हैं? तो सबसे पहले, अगर ऐसा हुआ है आपके बेबी के साथ, वो गिर गया, उसकी चोट लग गई, रो रहा है, और आप देख रहे हो कि जो एक पर्टिकुलर एरिया स्वेल हो गया, मीन सूज गया है, नीला पड़ गया है, तो आप सबसे पहले कंप्रेशन देंगे, यानी ठंडा कंप्रेशन और वार्म कंप्रेशन। ठंडा कंप्रेशन आपको सबसे पहले देना है, मीन्स उसके लिए आप क्या करोगे, एक कॉटन का छोटा सा टॉवल लेंगे और उसमें आप एक दो आइस क्यूब रख लेंगे, फिर आप उससे जहाँ पर भी वो एरिया है जहाँ रेड हो गया या हेड बम्प वगैरह निकल आया, वहाँ पर आप उसको हल्के 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 टैप करके उसको बच्चे को आराम देने की कोशिश करोगे। ठंडा कंप्रेशन देने से होता क्या है कि आपने देखा होगा जो सूजन आ जाती है, नील पड़ जाता है, तो जो वहाँ पर रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो मीन्स ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देती, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, लेकिन जब हम ठंडा कंप्रेशर देंगे तो वो जो रक्त वाहिकाएँ प्रॉपर तरीके से काम करेंगी और ब्लड को वहाँ पर इकट्ठा नहीं होने देंगी, सूजन को कम कर देंगी और बच्चे को दर्द में भी राहत मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ठंडा कंप्रेशन देना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद वार्म कंप्रेशन आप कब दें, उसके लिए कम से कम आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा, मीन्स आपने जो ठंडा कंप्रेशन दिया उसके 24 घंटे बाद, ठीक है, तब आप वार्म कंप्रेशन दे सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगी कि जैसे आपने देखा होगा कभी हमें चोट लग जाती है, हम कहीं घिस गए या हम स्लिप हो गए, तो उसकी वजह से हमारी चोट आ गई है, नील पड़ गए हैं, तो आपने देखा होगा कि हम घरों में अक्सर कि किसी भी गर्म तवे पे कपड़ा रखकर उस कपड़े को गर्म करते हैं और फिर उसकी सिकाई करते हैं, तो उससे भी राहत मिलता है। उससे क्या होता है कि वार्म कंप्रेशन देने से जो क्लॉटिंग हो जाती है और जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं जहाँ से कि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वो वहाँ पर जो टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो अगर आप वार्म कंप्रेशन दे रही हैं तो वो रक्त जो वाहिकाएं होती हैं उनको खोलेगा, और जिससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो फ्लो होगा प्रॉपर तरीके से, प्लस जो पोषक तत्व हैं डैमेज टिश्यूज तक पहुँचेंगे और आपके जो टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हो गए वो जल्दी से रिकवर करेंगे, आपके दर्द में भी राहत मिलेगी, ठीक है, और जो नील पड़ गया है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को कोल्ड कंप्रेशन देने के 24 आवर्स बाद वार्म कंप्रेशन भी दे सकती हैं। तो ये दोनों ही कम से कम 60-70% बच्चे के घाव को ठीक कर देते हैं। अब आपको लग रहा है कि अभी रिमेनिंग है और अभी नहीं जा रहा है, तो उसके बाद आप थर्ड स्टेप का यूज़ कर सकती हैं। तीसरी रेमेडी की मैं बात करूँगी हल्दी के बारे में। हल्दी के गुणों के बारे में तो आप जानते ही हैं, सबके घरों में हल्दी आसानी से मिल जाएगी
और जो हल्दी के औषधीय गुण होते हैं, जिस जो कि एंटीसेप्टिक गुण हल्दी में पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण उसमें पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छी रहती है। अगर इस तरीके से बच्चे की चोट लग गई है, सूज गया है, नील पड़ गया है, लाल पड़ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हल्के गुनगुना पानी लीजिए और एक चम्मच या आधा चम्मच आप हल्दी लीजिए, हल्के गुनगुने पानी में हल्दी डालिए और धीरे 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 घुमाते जाइए सर्कुलर फॉर्म में, तो एक अच्छा सा लेप बन जाएगा। और उस लेप को आप बच्चे के जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर उसको लगा दें, बॉडी के किसी भी पार्ट पर, पीछे या आगे या किसी भी बॉडी पार्ट पर लगी है वहाँ पर आप लगा दें, तो बहुत ही जल्दी बच्चे को आराम मिल जाएगा, सूजन कम हो जाएगी और दर्द भी बिल्कुल ना के बराबर ही रह जाएगा। फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं हनी के बारे में। जी हाँ, शहद आपने सुना होगा, शहद बहुत अच्छा होता है, घाव के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। किसी प्रकार का घाव है, सूजन है, जलन है, ठीक है, तो आप हनी, अच्छा हनी होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हनी होना चाहिए, वो आप बच्चे के घाव पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही जल्दी रिकवर करता है। तो आप हनी भी बच्चे के मेंस जहाँ पर भी चोट लगी हुई है वहाँ पर हनी आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बच्चा जब सो रहा हो तब आप उसको लगा दें, क्योंकि बच्चा जब खेलेगा इधर उधर जाएगा तो हो सकता है कि वो मीन्स हट जाए वहाँ से, जो शहद है वो पूछ जाएगा और बच्चे पर इतना असर नहीं करेगा। तो कोशिश करें जब बच्चा सो रहा है तब उसको आप अप्लाई कर दें, तो वो रहेगा, थोड़ी देर रहेगा, 15 से 20 मिनट भी रहेगा, तब भी वो अपना वर्क करेगा और बच्चे की सूजन को कम करने में मदद करेगा, दर्द में भी बहुत राहत देगा। तो डियर पेरेंट्स, ये मैंने चार आपको जो उपाय बताए हैं बिल्कुल आप अपनाइए, इससे बच्चे का 99% जो भी बच्चे गिरने से चोट लगी है, दर्द है, रो रहा है, अंदरूनी चोट भी है, उसमें भी राहत बहुत बच्चे को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की चोट को सही कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।